सभी के जहनों में एक ही सवाल है कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। इसी पर हम बात भी कर रहे हैं, तस्दीर और तबसरे भी ले रहे हैं और अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से हमारे नुमाइंदगान भी हमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। और अभी वोटिंग का अमल जारी है, वोटिंग के अमल से लेकर रिजल्ट्स क्या आते हैं जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेटेड रखेगा। यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राजा हसन अहमद साहब ने न्यूयॉर्क से, जो कि रिपब्लिकन हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजा हसन साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सख्त मुकाबला, नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, बहुत टफ टाइम दे रहे हैं दोनों हरीफ एक दूसरे को। जी, यूर 100% करेक्ट। यहाँ जो एक्साइटमेंट हो रही है, इट्स गोइंग टू बी अ फोटो फिनिश बिटवीन बोथ कैंडिडेट्स। जो स्टेट्स वी आर हाइपर फोकस्ड ऑन अभी इज पेंसिल्वेनिया, जिनके 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, एंड यू हैव नॉर्थ कैरोलिना, जिनकी 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। एंड बोथ ऑफ दीज स्टेट्स वी हैव क्वाइट अ रेस गोइंग ऑन। ऑब्वियसली द स्टैटिस्टिक्स आर कंटिन्यूइंग टू कम इन। हमारी तकरीबन स्टेट्स में 78 मिलियन और सो अर्ली वोट्स कास्ट हुई बिफोर टुडे, एंड टुडे इज द फाइनल डे, the actual election day in the United States. राज साहब, आप सिंस आपका ताल्लुक रिपब्लिकन से है, तो आप कितने पुरुमीद लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले सदर होंगे? और जिस तरह 50-50 चल रहा है और आप नेक टू नेक की, आपने भी बात की, सारा ने भी बात की, कौन सी वो अहम स्टेट्स हैं या कौन सी वो अहम स्टेट है जो इस अमरीकी सदारती इंतखाबात में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? I think Pennsylvania is going to be a game changer. Right now, Arizona and North Carolina look like Trump territory. Example, North Carolina may Trump took the state in 2016 and in 2020. So I think for North Carolina, even Georgia, Arizona, I'm quite confident. Jo Pennsylvania hai right now, Pennsylvania is very tight. And वहाँ जो हो रहा है, जो हमारे जो economic मसले जो हैं, for example, food cost inflation, they are in a crisis in Pennsylvania. So I think it's going to be very interesting to watch how their votes filter in. And I think that based on the economic issues, the global wars, and our need at this point for law around immigration, I think that there is a very, very good chance that our next president again will be Donald J. Trump. अच्छा राजा हसन साहब, ये बताइएगा, मिशिगन भी एक अहम रियासत है जहाँ पर 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। वहाँ का मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन का एक ऐसा मसला है जो कि एक मुस्लिम वोटर के दिल के बहुत करीब है। क्या वो उसके वोट में भी रिफ्लेक्ट होगा, और अगर रिफ्लेक्ट होगा तो किसकी तरफ वोट जाएगा उसका? I believe so very strongly. The current administration, which includes Vice President Harris, has failed our Muslim community, and you can hear that in the sentiments from जो मुसलमान voters Michigan may openly endorse kar rahe at Trump rallies. You have many Twitter and social media posts from Muslim community in Michigan fully endorsing and supporting Trump with the hope that he will come into office and he will cease global wars. And I think, as you mentioned, it's going to play a huge part in our Muslim vote. अच्छा, यहाँ पर फिर इसराइल के साथ भी ट्रंप के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है, तो नसीम साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे? पेंसिल्वेनिया से मुतालिक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैं पेंसिल्वेनिया से मुतालिक पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ बटलर का वाक़या भी पेश आया था, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाए हैं, जो अभी तक नेक टू नेक है कि मतलब इकोनॉमी जो है वो उसने उस चीज़ को भी ओवरटेक कर लिया है? Well, I think the sheer fact that it's neck to neck, where it is Biden's home town. You know, at the end of the day, he hails from Pennsylvania. So the sheer fact that it is neck to neck in itself is an indicator that obviously people are paying attention to the economic war and immigration issues, migrant issues that are taking place. And I think the election in itself, by nature of being as close as it is a testament to support for Trump. अच्छा राजा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी, जिस तरह गजा की सूरत हाल पर हम बात करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी या मुसलमान वोटर या ओवरऑल मुसलमान ममालिक की अगर हम बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर अमरीकी सदर का उनका इंतखाब हो जाता है, कल वो अमरीकी सदर अगर वो बन जाते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में गजा किस नंबर पर होगा गजा का मसला हल करने के लिए? I think it's very hard to say, but anybody who's prioritizing it at the very least has a plan for a plan. I can tell you that the current administration is sitting by idle as Muslims die day to day. So while I can't speak to the president's policy, I can tell you that I do have confidence in the fact that somebody is voicing their opinion. They are making it known that they intend to cease war and that it is much better for us to take that opportunity than it is to take a known reality that Muslims are dying on a day-to-day basis. अच्छा राजा हसन साहब, ये बताइएगा कि अमरीकी अवाम के बेहतर मफाद के लिए रिपब्लिकन्स क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि बतौर सदर कमला हैरिस ऑफर नहीं कर पाएंगी जो कि डोनाल्ड ट्रम्प कर सकेंगे अमरीकी अवाम के लिए? That's an excellent question. So I think it's no secret कि जो यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी है it's reeling, and particularly and specifically from inflation. So I think there's much more faith in the Trump policy when it comes to economic growth, innovation, and I think that while immigration is key and an important part of American history and its current need, there needs to be law around immigration, not a migrant crisis. And I think between the economy and the migrant crisis, everybody has at least faith in the fact that Donald Trump will be able to make a difference and an actionable change in both of those categories. Naseem Saab. राजा साहब, ये बताइए कि जो मिशिगन स्टेट है, यहाँ बड़े मुसलमान रहनुमाओं ने एंडोर्स किया था आके डोनाल्ड ट्रम्प को, उसके बावजूद ये नेक टू नेक है, जबकि यहाँ पर अरब आबादी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर जगह से ज़्यादा। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था जो डेमोक्रेट्स हैं कि जो मुसलमान रहनुमाओं ने यहाँ उनको एंडोर्स किया वो बेसिकली रूयते इलेक्शन कमेटी का इजलास था जो हर 4 साल बाद होता है, अपने मफादात देखते हैं और फिर वो उस तरफ चले जाते हैं, ये सोचे बगैर कि डोनाल्ड ट्रम्प ने मुसलमानों के साथ क्या किया था। देखें, आई थिंक दैट इट इज़ अनफेयर टू से दैट समबडी हैज़ नॉट absolutely dominated a state on the basis of any voting segment. And the reason is the elections themselves tend to be swayed within points in different states. Example, as मैंने Pennsylvania का example दिया था, जहाँ Biden was from Pennsylvania, and although he did win in 2020, he only won by a 1.2-point margin. I can tell you that the Biden win in Arizona was by 0.3. And so as a result, when you have people winning an election by a fraction of a point, it becomes very difficult to say that a particular community, a particular endorsement will be the end all be all for the electoral votes for that state. अच्छा राजा साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर इंतखाब हो जाता है, मुंतखब हो जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वो कैसे फोर्सी कर रहे हैं? I think that's a wonderful question. I think most important thing to viewers and our Pakistani community is what is Pakistan's future when it comes to American-Pakistani relations. And I think regardless of whomever takes this presidential election, as a Pakistani, the hope is that American-Pakistani relations will be bolstered and strengthened, leading to economic growth. And I do believe that in this particular case, Donald J. Trump will be able to create and strengthen a relationship with Pakistan as our new president. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। राजा हसन अहमद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे और उनका ये कहना है कि ट्रंप अगर मुंतखब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बताते हैं कि स्विंग स्टेट्स जिनका बहुत अहम किरदार है इन इलेक्शंस में, उनमें से एक स्टेट है जॉर्जिया जो कि 11 इलेक्टोरल वोट्स के साथ स्विंग स्टेट है, इसलिए दोनों सदारती उम्मीदवारों की नज़रें यहाँ से कामयाबी हासिल करने पर मरकूज़ हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, लेकिन इससे पहले जो राजा साहब ने गुफ्तगू की, नसीम साहब आपकी ओवरऑल बहुत से तजियाकारों से बात हुई, वहाँ पर भी आपके लोगों से रब्ता हुआ है, गज़ा के मसले का हल आपके ख्याल में प्रायोरिटाइज़ कौन बेहतर कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप या कामला है? मेरे ख्याल में दोनों ही नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर रियलिस्टिकली इसको सोचें तो वो दोनों ये पार्टीज़ ये कहती हैं कि इसराइल को दिफा का हक़ है, जो इसराइल है। इन दोनों के बयानिए में कहीं ना कहीं गज़ा के मसले का हल है। मेरे ख्याल में इन दोनों के पास इस चीज़ का हल नहीं है, ना वो कोई इसका हल निकालने में ऐसे सीरियस नज़र आ रहे हैं एट द मोमेंट। सिर्फ एक जेस्चर है जो वो चेंज है, एक उनका कमला हैरिस का या फिर डोनाल्ड ट्रम्प का, क्योंकि आप ये देखिए ना कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक महीना दिया है उसको इसराइल को कि वो अपना काम मुकम्मल करे एक तरह से। डोनाल्ड ट्रम्प भी ये कह रहे हैं कि फिनिश द जॉब। तो इसका मतलब है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इनका। और ये अगर इन दोनों में से कोई ये चीज़ कमिट कर ले कि जिनको डिस्प्लेस किया गया है वो सारे गाज़न्स वापस आएंगे, सारे पैलेस्टीनियन उस इलाके में वापस आएंगे जहाँ बॉम्बिंग की गई है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इन दोनों में से कोई कमिट करने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे कमला की टोन अगर हम देखें तो उसमें वो ह्यूमन राइट्स की थोड़ी बात करती हैं, सोशल फैब्रिक की, यूनिटी की, जोड़ने की, और इन सारी इस तरह के हमें एलिमेंट्स कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, लेकिन वो फिर सब बयानात की हद तक ही। देखें, अगर वो अपनी बाइडन की पॉलिसी से इंहराफ तो नहीं कर सकें। अगर ह्यूमन राइट्स की बात की है, ये ज़रा सोचेंगे जो गजा में हुआ है ये क्या किसी और कंट्री में अगर हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ये किसी यूरोपीय कंट्री में हो तो फिर क्या होगा, यहीं से ये अमेरिकन सिटी के अंदर हो तो क्या होगा। डिस्कशन को नसीम साहब आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन जियो न्यूज़ पर जारी है, साथ रहिए। यूएस इलेक्शंस की खुसूसी नशियात में एक बार फिर आपको खुशामदेद कहेंगे। कमला वर्सेस ट्रंप मुकाबला सख्त है, नेक टू नेक मुकाबला है। मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है और हम जो खबरें आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि मुकाबला बहुत ही सख्त होने जा रहा है। दोनों हरीफ एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। बिल्कुल, कुछ ही देर में डॉक्टर जे जलीसी जो कि डेमोक्रेट रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले राजा हसन राजा साहब मौजूद थे जो कि रिपब्लिकन रहनुमा थे, अपनी राय का इजहार करे थे। नसीम हैदर साहब, ब्रेक से पहले जॉर्जिया की हमने रिपोर्ट भी दिखाई। जॉर्जिया की आबादी का 1/3 हिस्सा अफ्रीकी निजात अमरीकियों का है, जो मुल्क के सियाफाम बाशिंदों के सबसे बड़े तनासब में से एक है। और यह ख्याल किया जाता है कि 2020 में जो बाइडन जो हैं इस रियासत में कामयाबी में इस आबादी का अहम किरदार था। इस बार क्या इम्पैक्ट डाल सकती है जॉर्जिया? देखिए, जॉर्जिया का बड़ा, जैसे मैंने कहा भी कि ये 50-50 पर है इस वक्त, तो इसलिए ये कहना कि किस साइड पे जाएगी अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये अफ्रीकन अमेरिकन के हवाले से आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को बराक ओबामा ने फील किया है कि वो उतनी तादाद में नहीं निकल रही जितनी तादाद में उसे निकलना चाहिए। ये मतलब हालिया चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम जिस तरह से लोगों में एक जोश था, बाहर निकल के वो आ रहे थे, उस तरह से वो नहीं देख रहे। तो उन्होंने पुश किया कि किसी तरह से वो निकलें। मेरे ख्याल में जो वो नहीं निकल रहा है उसकी एक वजह यह है कि जो इकॉनमी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो मैंने पहले भी कही थी कि अमेरिका का इलेक्शन सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होता है और वो है इकॉनमी। क्योंकि इस दफ़ा लोग बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बुरी तरह से इकनॉमिकली मतलब डेवेस्टेटेड हैं। तो मतलब एक दूध के बोतल की कीमत, एक आलू, टमाटर, प्याज, ये चीज़ जो लोग लेने के लिए जाते हैं उन्हें पता है कि उसकी प्राइस उन्हें कितनी देनी पड़ रही है। तो जो भी वोटर है वो पहले ये सोचता है कि क्या मैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन या कमाला जो उससे जुड़ी हुई है उनको वोट दूं या नहीं दूं, या फिर ट्रम्प को वोट दूं। ट्रम्प कहते हैं कि मैंने अपनी इकॉनमी बहुत बेहतर की थी, लेकिन असल में ट्रम्प की वो इकॉनमी नहीं थी, वो बेसिकली ओबामा की इकॉनमी थी। जिन्होंने सीड तो उन्होंने डाले थे, फसल ट्रम्प ने काटी थी। अच्छा, ट्रम्प की वो लोग कंफ्यूज हैं। इसी पे बात करेंगे क्योंकि उनके नाकदीन ये कहते हैं कि वो अमीरों को रिलीफ देना, रियल एस्टेट की जैसे बात की जाती है, उम्रा को मराद देने की भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपनी पॉलिसी के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जय जलीसी, डेमोक्रेट से इनका ताल्लुक है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जय जलीसी साहब, ये बताइएगा कि क्या आप इस वक्त रुझान देख रहे हैं, डेमोक्रेट्स खासतौर पर किस हद तक पुरुमीद हैं कमला की जीत के हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नहीं, डेमोक्रेट्स बड़ा उम्मीद हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो हैं वो इलेक्शन जीतेंगी। बड़ी मोबिलिटी भी है वोटर्स में भी और वॉलंटियर्स में भी, और हम बड़े पुरुमीद हैं। एक चीज़ मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका में इलेक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ वोट से नहीं जीता जाता, वो जीता जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के वोट से। और वो अमेरिकन जो फोर फादर्स थे हमारे अमेरिका की सियासत के, उन्होंने इसलिए तय किया था ताकि मुख्तलिफ आबादी वाले इलाके, जो छोटी आबादी वाले इलाके वो नज़रअंदाज ना हो, क्योंकि वरना तो ये होता है कि जिन बड़े बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क हो गया, मायामी हो गया, लॉस एंजल्स हो गया, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हैं तो वो वहीं पे सारे लोग कैंपेन कर रहे होते हैं। छोटी रियासतों में जैसे मेरीलैंड है, रोड आइलैंड है, मेन है, वर्मॉन्ट है, वहाँ पर तो कुछ जाता ही नहीं। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बेस करता है नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस, लेकिन उसमें बहुत सारी रियासतें डेमोक्रेट हैं, बहुत सारी रिपब्लिकन हैं, और आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आपने जिक्र भी किया होगा कि 7 रियासतों में कांटे का मुकाबला है। ये वो रियासतें हैं जो ना फुल्ली डेमोक्रेटिक हैं ना रिपब्लिकन हैं, तो सारा मामला वहीं घूम रहा है। मैरीलैंड हमारी स्टेट जो है वो तो उसका गवर्नर भी डेमोक्रेट है, दोनों स्टेट हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसका मैं मेंबर रहा हूँ और हाउस और सेनेट, सब डेमोक्रेटिक कंट्रोल में है। तो वो जो रियासतें जहाँ पर जिनको पर्पल स्टेट्स कहा जाता है, जो ना ब्लू हैं ना रेड हैं, वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है असल में तो, और बड़ी तनदही से। और डॉक्टर साहब ओवरऑल जो राय है वो यही कहा जा रहा है कि 50-50 नेक टू नेक चल रहा है। लेकिन इससे पहले राजा हसन साहब जो कि रिपब्लिकन रहनुमा हैं, उनसे हमने डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर मुंतखब हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान से मुतालिक क्या राय रखते हैं, ये सवाल रखा था। आपके सामने ये सवाल रखेंगे सिंस आपका ताल्लुक डेमोक्रेट पार्टी से है। आपके ख्याल में कामला हैरिस अगर कल परसों तक अमरीकी सदर मुंतखब हो जाती हैं तो पाकिस्तान को लेकर उनके क्या ख्यालात हैं और पाक अमेरिका ताल्लुकात को लेकर वो क्या फोर्सी कर रहे हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में फर्क ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी होगी, यानी कि वो अमेरिका के बाहर इंटरफियर और इंटरवीन नहीं करेंगे। कमाला हैरिस हुए या बराक ओबामा हुए या और दीगर डेमोक्रेट्स हुए, वो कोशिश करते हैं दुनिया में अपना रोल प्ले करने। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गए तो मैं कोई हैरत नहीं होगी मुझे कि अगर वो नेटो से भी विड्रॉ कर जाए, क्योंकि उनका जो फोकस है वही है अमेरिका फर्स्ट, बट नॉट ओनली जस्ट अमेरिका फर्स्ट बल्कि अमेरिका। कामला हैरिस पाकिस्तान से मुतालिक क्या राय रखती हैं, ये सवाल। पाकिस्तान से जो मुतालिक उनकी राय होगी वो वही होगी जो अमेरिका के लिए बेनिफिशियल होगी। इस तनाजुर में अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला करें तो मैं I think she will try to be fair, but I don't think that she would ignore India. डॉक्टर साहब, ये बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी सेल्स। डॉक्टर साहब, ये रिजल्ट का आप बताइए ज़रा कि क्या अब जो सूरत हाल अब तक पैदा हुई है, अभी तक तो ऑलमोस्ट पीसफुल इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं बड़ा कोई वाक़या ऐसा भी नहीं पेश आया जिसके ऊपर कोई मसला हुआ हो, क्या रिज़ल्ट आ जाएंगे कल तक या वो डिले होगा उसी तरह जैसे बाइडन के टाइम पर 4 दिन बाद आए थे या और? तो अमेरिका में ऐसा होता है कि रिजल्ट जैसे पोलिंग खत्म होगी उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाए, एग्जिट पोल, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। लेकिन सर्टिफिकेशन ऑफ वोट्स और उसके चैलेंजेस जो हैं वो 3 दिन बाद तक चलते हैं। तो सर्टिफिकेशन जो होगी वो तो मेरे ख्याल 1 हफ्ते बाद होगी, और जो आप चैलेंज करते हैं वोट के रिजल्ट को वो भी उसी दौरान में या उसके बाद भी कर सकते हैं। आपको याद होगा एल गोर का इलेक्शन था बुश से, तो वो बड़ी दिनों तक चलता रहा, बल्कि कई हफ्तों तक चलता रहा। लेकिन जो अनऑफिशियल रिजल्ट है वो तो शाम में आ जाए, क्योंकि जैसी पोलिंग खत्म होती है उसी वक्त वो, बल्कि अगर आप पोलिंग स्टेशन पर कभी गए हों नसीब भाई, तो वो हर मशीन के स्ट्रिप्स, उसकी जो टैली होती है वो प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं दीवार पे। मैंने जितनी दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं तो मेरे वॉलंटियर्स जाते हैं और वो हर मशीन बाय मशीन वो काउंट करते हैं, तो आपको अपनी प्रीसिंक्ट का रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, चैलेंज करना है तो उसके बाद एक चीज और बताइए कि इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर क्या असर पड़े, क्या कुछ पड़ेगा भी या नहीं? ये जो कुछ सीट्स जो हैं वो कई रियासतों में बढ़ी हैं, कहीं कम होती हैं, इससे कुछ इलेक्टोरल कॉलेज पे फर्क पड़ेगा, उससे कोई सदारती इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा कि कौन जीतता है? नॉट बाय मच सिग्निफिकेंस। और ओवरऑल आप देखें तो कांग्रेस की सीट वही तादाद वही रही है, उन्होंने कांग्रेशनल सीट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं बढ़ाई, तो मेरा नहीं ख्याल कैसे को खातर को फर्क पड़ेगा। ठीक है, इंटरनली ये फर्क पड़ता रहता है लेकिन नॉट बाय मच। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। मैं 1 मिनट पर जो पहले मैं जिक्र करता इलेक्टोरल कॉलेज का, सॉरी मेरा टाइम खत्म हो गया मुझे पता है, लेकिन उसमें समझना ये चाहिए कि अगर पॉपुलर वोट कोई जीत भी लेगा तो इलेक्टोरल कॉलेज की सीटें जो हैं वो हार भी सकता है। बिल्कुल, एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि इस वक्त आपको पोल्स बराबर लग रहे हैं, लेकिन इन्हीं आपको पिछले इलेक्शंस में देखा होगा कि जरा से वोटों के फर्क से 1000, 1500 के फ़र्क से पूरी स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं वो उस कैंडिडेट को पड़ते हैं। तो आप हैरान मत होइएगा रात में अगर आपको पता लगे कि हारने वाला कैंडिडेट तो हारा है 10,000 वोटों से, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं उनमें 50 या 60 सीटों का फर्क है, क्योंकि इसी तरह इलेक्शन यहाँ पर होते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात। शुक्रिया आपका। डॉक्टर जय जलीसी हमारे साथ मौजूद थे मैरीलैंड से और बता रहे थे, हैराना राय दे रहे थे और खासपुर उम्मीद भी हैं वो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस जो हैं वो ये इंतखाब जीत जाएंगी। आपको ये बताते हैं कि अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना उन 7 रियासतों में शामिल है जो 2024 के इलेक्शन में फैसला कुन साबित हो सकती है। यानी नॉर्थ कैरोलिना के जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नसीम हैदर साहब के साथ और दीगर तजिया कार जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके सामने कुछ मजीद सवाल रखेंगे। यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी, साथ में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यूएस इलेक्शन ट्रांसमिशन जियो न्यूज़ पर खुसूसी कवरेज जारी है। हमारे साथ तजियाकार भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय का इजहार करें और साथ ही साथ नुमाइंदगान भी हमें मुसलसल। बिल्कुल, हम फाइजा बुखारी की तरफ जाएंगे जो कि मिशिगन से हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम डेवलपमेंट है इसराइल से। नसीम साहब, खबर आ रही है इसराइली वज़ीर दिफा के बारे में, क्या अपडेट है? इसराइल के वज़ीर दिफा को वज़ीर आज़म ने जो है वो फारिग कर दिया और उसकी जगह वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने जो है वो पोस्ट दी है। और ये एक ऐसे वक्त पर किया है उन्होंने जब इसराइल जो है वो एक ईरान के अटैक को एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि जवाबी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसराइल ने कुछ ही अरसे पहले जो है वो ईरान पे हमला किया था और ईरान ने फिर अब उसके बाद ये यकीनन एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। फाइजा बुखारी हमें ज्वाइन कर रही है मिशिगन से। एक तो ओवरऑल अभी तक टर्नआउट फाइजा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 10 मिलियन आबादी और 15 इलेक्टोरल कॉलेज वोट रखने वाली रियासत मिशिगन, जहाँ से आप हमें रिपोर्ट करिए, गुज़श्ता 2 सदारती इंतखाबात में जो उम्मीदवार कामयाब हुआ है वही व्हाइट हाउस पहुंचा है। बिल्कुल, इसके लिए एक टर्म यूज होती है इनफैक्ट मिशिगन और साथ बिल्कुल हमारी रियासत है विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, ये जो कॉम्बिनेशन है 3 स्विंग स्टेट्स का, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है बेल वेदर। वेदर एक किस्म की भेड़ होती है और बेल यानी घंटी जो ऐलान करती है या ट्रेंड बताती है। तो 2006 के बाद से तीनों के कॉम्बिनेशन में जो भी जीता है वो व्हाइट हाउस पहुंचा है। इस वजह से भी इन तीनों रियासतों पे खुसूसी नजर होती है। पेंसिल्वेनिया पे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ के सबसे ज्यादा स्विंग स्टेट्स में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज बोर्ड्स यानी 19 जो हैं पेंसिल्वेनिया के, और वहाँ से नताइज भी जरा लेट आते हैं तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन मिशिगन ऑब्वियसली स्विंग स्टेट है, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। और मुस्लिम वोट जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा हाईलाइटेड है मिशिगन। यहाँ की जो मुस्लिम आबादी, मैं इस वक्त डियरबॉर्न में मौजूद हूँ जो कि मिशिगन का फर्स्ट एवर मुस्लिम अक्सरियती शहर है। गुज़िश्ता साल ये अनाउंस हुआ था और यहाँ की आबादी के 55 यानी 55% जो आबादी है वो मुस्लिम्स पर मुश्तमिल है, खासतौर पे जो अरब मुस्लिम्स हैं उनका गढ़ ये कहा जाता है अमेरिका में। और उनकी तरफ से ये जो फाइजा आपके पास दोबारा भी आएंगे, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। नसीम साहब, जैसे हम बात कर रहे थे अभी पहले भी, जो रिपब्लिकन थे राजा हसन साहब, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जो अरब्स का वोट है वो ट्रम्प की तरफ ही जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है इसकी कोई सेंस बनती हुई नज़र आती है? क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कमला हो या ट्रम्प हो वो कुछ खातिर खा इकदाम नहीं कर सकेंगे मसले फ़लस्तीन हल। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। जब आपकी पार्टी एफिलिएशन होती है तो फिर आपके जहन में बड़ी खुश फहमियाँ भी होती हैं। तो मेरे ख्याल पार्टी अगर रिपब्लिकन एग्जैक्टली और अगर पार्टी रिपब्लिकन और वो भी ट्रम्प की पार्टी हो तो फिर और ज़्यादा खुश फहमियाँ होती हैं। हम रिलेट कर सकते हैं पाकिस्तानी सियासत से भी कि पार्टी का पहले बयानिया मुख्तलिफ सियासी जमातों का कुछ और होता है, जैसे इक़्तिदार में आते हैं तो वो बदल जाता है। देखें 2016 में मैंने यूएस से जब इलेक्शन की ट्रांसमिशन की थी तो उस वक्त मैंने एक कंपैरिजन का मैंने प्रोग्राम जो है वो पूरा वहाँ से प्रोड्यूस किया था और वो ये था कि पाकिस्तान का ट्रम्प कौन, तो ये एक कंसेंसस था कि वो बानी चेयरमैन। तो खुशफहमी वाली जो आपने बात कही बिल्कुल सही कह रहे हैं, बानी चेयरमैन जमात का नाम भी ले लें ताकि फिर पीटीआई इमरान खान आई मीन। सही सही। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि ओवरऑल जो अभी तक जो इम्पैक्ट पड़ा है इस पर भी हम नसीम साहब आपसे जानना चाहेंगे। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है मिशिगन की, जिस तरह फाइजा भी बात करी थी कि गुज़श्ता 2 सदारती इंतखाबात में जो 2 उम्मीदवार कामयाब हुए और वही वाइट हाउस तक पहुँचे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है मिशिगन को लेकर। मिशिगन जहाँ तक मैंने आपको बताया, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कि वो इस दफ़ा डेमोक्रेट्स को जा रही है। अच्छा। अगर यही सूरत हाल है तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमला हैरिस जीत रही हैं। और वैसे ओवरऑल कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो इम्पैक्ट पाकिस्तान, क्योंकि हम सिंस पाकिस्तान में बैठ के ये ट्रांसमिशन हो रही है, बात करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को लेते हुए, और पाकिस्तान के लिए उनकी क्या सोच है, डोनाल्ड ट्रंप से वो बेहतर है? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा ट्रंप आए या कमला हैरिस। उसकी वजह बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान की और अमेरिका की इस वक्त कोई रेलिवेंस नहीं है। Exactly. जब तक कोई रेलिवेंस पैदा नहीं की जाएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकली भी वो जिस तरह से पाकिस्तान, हम कहते हैं कि हम बड़े स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हैं और ये वो जो भी कुछ, लेकिन हर टाइम पर ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जो ज़रूरियात हैं अमेरिका की। अमेरिका मूव ऑन कर चुका है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है कि जिस तरह वहाँ पर मुसलमान वोटर है या पाकिस्तानी निजात अमेरिकन है, क्या वो वोट कास्ट करते हुए अमेरिका और अमेरिका के मसाइल को मद्देनज़र रखते हैं, या कहीं ना कहीं उनके जहन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल, क्योंकि सिंस कनेक्टेड है मामला, तो वो नज़र में रखते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट तो ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो वोट ही बहुत कम कास्ट करते हैं। टोटल तादाद 6 लाख के करीब है, उसमें वोटर्स अब लगा लेंगे कितने कम हैं। फिर उसमें ये कि वो, अभी हमने कल एक डेमोक्रेट को लिया जो रुकन असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ख़ुद अभी रुकन असम्बली हैं भी टैक्सेस के, वो कह लेंगे 20% जो है वो निकले हैं। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना कम ये निकलते हैं। ये मुजाहरे करते हैं, ये मतलब प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन ये वोट डालने के लिए नहीं जाते। ये अनफॉर्चुनेट है। मेरी एक न्यूयॉर्क में रियासती असम्बली के रुकन आमिर सुल्तान से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बाहर निकल कम रही है। अनफॉर्चुनेट है, उससे वो हार भी सकते हैं। और यही बात है जिस तरह कि हम बात कर रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, कि इकॉनमी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन इलेक्शंस में, और इकॉनमी की ट्रंप बड़ी बात करते हैं कि वो इकॉनमी को रिवाइव करेंगे, बेहतर करेंगे, इन्फ्लेशन एक अहम फैक्टर है। लेकिन दूसरी जानब ट्रंप के जो इमिग्रेशन के मामला को लेकर जो एक सख्त मौक़िफ़ है, उस पर हम बात करते हैं कि किसका वोट किसकी तरफ जा सकता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद।